वो कभी था पुतिन का रसोईया, आज बन चुका है गद्दार। वो भाड़े के कातिलों का मुखिया है, वो करेगा मॉस्को में नरसंहार। हॉटडॉग बेचने वाला कैसे बना कातिलों का कातिल? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं नवेद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खून से जिस भस्मासुर येवगेनी को सींचा, आज वही भस्मासुर उनकी पूरी सल्तनत जलाने का ऐलान कर चुका है। यूक्रेन युद्ध में तबाही का दूसरा नाम बन चुकी पुतिन की भाड़े के हथियारों का मुखिया वेगनर ग्रुप का प्रमुख येवगेनी रूस के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर चुका है। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ बगावत की तो मॉस्को में टेंशन बढ़ गई। कभी रूसी राष्ट्रपति के सबसे खासम खास रहे येवगेनी को एक समय पुतिन का रसोईया कहा जाता था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। पुतिन का सबसे वफादार आज गद्दार बना बैठा है और उसने कह दिया है कि रूस को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। पिछले साल सितंबर में जब यूक्रेनी सेना ने रूस पर जवाबी हमलों में रूसी सेना को धूल चटाई थी, तब पुतिन की काफी किरकिरी हुई थी। पुतिन पर विदेशी मीडिया सहित क्रेमलिन से भी सवाल खड़े होने लगे थे। तब येवगेनी प्रिगोजिन सामने आया, अपने भाड़े के हजारों वैगनर सैनिकों के साथ बचाव के लिए आगे आया और वैगनर के सैनिकों ने यूक्रेन के बाखमुत शहर पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसे रूस में युद्ध नायक तक कहा जाने लगा। लेकिन आज हालात उलट है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इन्हीं भाड़े के हत्यारे यानी वैगनर ग्रुप ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट का ऐलान कर दिया। बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर कूच कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए रास्ते में रूसी सेना ने भी भारी मोर्चाबंदी कर दी है। रूसी शहर रोस्तोव में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के बीच भीषण लड़ाई की भी खबर है। वैगनर ग्रुप को कभी पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। इस ग्रुप के लड़ाकों ने यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर युद्ध भी लड़ा, लेकिन इस दौरान वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन कई बार रूसी सेना की आलोचना भी कर चुके हैं। यह पहला मौका है जब प्रिगोजिन ने सीधे तौर पर पुतिन का नाम लेते हुए उन्हें रूस की सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दे डाली। प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के मॉस्को की ओर कूच करने के बाद क्रेमलिन और रूसी संसद ड्यूमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन है वैगनर ग्रुप का मुखिया येवगेनी, कैसे पुतिन का रसोईया भाड़े के हथियारों का मुखिया बन गया, कैसे पुतिन ने उसे खड़ा किया और आज कैसे वो पुतिन को ही चुनौती देकर तख्ता पलट करने मॉस्को कूच कर चुका है, जिसके बाद पूरे क्रेमलिन और रूसी संसद की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। कौन है वैगनर का आका येवगेनी? देखिए पूरी जन्मपत्री। रूस में तख्ता पलट की धमकी देने वाला येवगेनी प्रिगोजिन कभी सेंट पीटर्सबर्ग में हॉटडॉग बेचा करता था। यह वही सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि पुतिन का भी गृह क्षेत्र है। बाद में उसने रेस्टोरेंट खोला, रूसी सेना के लिए खाने की सप्लाई की और इसी दौरान पुतिन के संपर्क में आया और खुद की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप बना डाली। अब यही वैगनर ग्रुप पुतिन के लिए मुसीबत बन गया है। आइए आपको इस मौत के सौदागर की पूरी कहानी बताते हैं। येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म साल 1961 में उस वक्त के लेनिनग्राद यानी कि आज के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मौत हो चुकी थी। प्रिगोजिन ने खुद अपने जिंदगी में दिए हुए एकमात्र इंटरव्यू में बताया है कि उसकी माँ उस वक्त अस्पताल में काम करती थी। प्रिगोजिन ने शुरुआती पढ़ाई के बाद खेल अकेडमी ज्वाइन की। इस दौरान वो रोजाना घंटों क्रॉस कंट्री स्कीइंग करता था, लेकिन इसके बाद भी वो पेशेवर एथलीट नहीं बन सका। स्कूल खत्म होने के बाद येवगेनी छोटे मोटे अपराधियों की भीड़ में शामिल हो गया। महज 20 साल, याद रखिएगा, महज 20 साल की उम्र में येवगेनी कई मामलों में पुलिस की हिटलिस्ट में शामिल हो गया। उसके बाद उसके ऊपर मारपीट, डकैती, धोखाधड़ी तक के तमाम आरोप लगे और बाद में अदालत ने उसे 13 साल की सजा सुनाई। हालांकि वो 9 साल में ही जेल से बाहर आ गया, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ के विघटन के दौरान उसे 1990 में रिहा कर दिया गया।
इसके बाद प्रिगोजिन सेंट पीटर्सबर्ग वापस लौट आया। उस वक्त रूस में काफी बदलाव हो रहा था, बड़ी संपत्तियों को चालाक या हिंसक लोग जब्त कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त रूस में कानून का शासन लगभग खत्म हो गया था, सोवियत संघ टूटा था और उसी वजह से ये हालात पैदा हुए थे। प्रिगोजिन ने हॉट डॉग बेचने से मामूली शुरुआत की। इसके बाद येवगेनी ने सुपरमार्केट की एक सीरीज में भी हिस्सेदारी खरीद ली। 1995 वो वक्त था तब उसने फैसला किया कि वो एक रेस्टोरेंट खोलेगा और इसके लिए प्रिगोजिन ने ब्रिटिश होटल चेन के मालिक टोनी गियर से मुलाकात की। टोनी गियर के साथ ही मिलकर प्रिगोजिन ने पहले एक वाइन शॉप, फिर सेंट पीटर्सबर्ग के वासिलिवस्की द्वीप पर एक नया रेस्टोरेंट जिसका नाम था ओल्ड कस्टम हाउस उसे खोला। शुरुआत में ओल्ड कस्टम हाउस ने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रिपर्स तक रखे, लेकिन बाद में जब उसके खाने की तारीफ होने लगी तो उसने स्ट्रिपर्स को नौकरी से हटा दिया। पुतिन का बना राइट हैंड येवगेनी के रेस्टोरेंट में रूस के टॉप बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर एनाटोली सोबचाक और उस समय के डिप्टी मेयर व्लादिमीर पुतिन भी आया करते थे। तभी येवगेनी की मुलाकात सेलिस्ट मस्टिस्लाव रोस्ट्रोपोविच से हुई। रोस्ट्रोपोविच ने उस वक्त अपने घर पर स्पेन की रानी की मेजबानी की और इस दौरान खाने की सारी जिम्मेदारी येवगेनी को मिली। रोस्ट्रोपोविच ने 2002 में अपने 75वें जन्मदिन के दौरान लंदन में एक भव्य म्यूजिकल कार्यक्रम भी किया और इसमें प्रिगोजिन और उसकी पत्नी को भी आमंत्रित किया। उस समय तक पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन चुके थे। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में पुतिन अक्सर अपने गृहनगर सेंट पीटर्सबर्ग में आते थे और जो भी विदेश से मिलने के लिए विदेशी मेहमान आते थे उन्हें भी अपने साथ वो अपने शहर को घुमाने ले आते थे। ये वो दौर था जब येवगेनी का रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। लोग उसके रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाकर इंतजार करने लगे थे। लोकप्रियता बढ़ी तो खुद रूसी राष्ट्रपति भी विदेशी मेहमानों को लेकर इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए आने लगे। यही वो वक्त था जब येवगेनी पुतिन के करीब आया और इसके बाद येवगेनी को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तक मिलने लगे। पुतिन ने रूस में सरकारी आयोजनों के लिए जारी कॉन्ट्रैक्ट प्रिगोजिन को दिए। इसके बाद 2012 में उसको मॉस्को में स्कूलों में फूड पैकेट का 10.5 बिलियन रूबल का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। येवगेनी प्रिगोजिन की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही। उसने लंबे समय तक किसी भी राजनीतिक भूमिका से इनकार किया, लेकिन उसका प्रभाव ज्यादा था और ये लोग भी समझते थे। वो खाने की मेज से कहीं आगे तक पहुंच चुका था। लोगों के बीच वो बड़ा ही लो प्रोफाइल रहता था, लेकिन येवगेनी को विदेश तक में पुतिन का राइट हैंड कहा जाने लगा। येवगेनी ने इस दौरान खूब पैसा कमाया। उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया, उसी इंटरव्यू में उसने बताया था कि मैं हर महीने $1,000 कमाने लगा था, जो रूबल नोटों में एक पहाड़ के बराबर था। मेरी माँ होती तो शायद कभी वो नोट गिन भी नहीं पाती। शेफ से भाड़े का कातिल बना येवगेनी प्रिगोजिन। प्रिगोजिन ने साल 2014 में वैगनर ग्रुप की नींव रखी और ये नींव तब रखी जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया। इस दौरान रूसी और यूक्रेनी सेना में हुए युद्ध में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल थे। प्रिगोजिन ने पुतिन को निजी सैन्य कंपनियां स्थापित करने की सलाह दी थी। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैगनर ग्रुप को रूसी खुफिया एजेंसी GRU की सैन्य खुफिया यूनिट के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन बाद में रूसी रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी का इंटरव्यू आया जिसमें उसने साफ किया कि कुछ लोग इसे GRU की यूनिट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सीधे सीधे येवगेनी का प्रोजेक्ट था। रूसी रक्षा मंत्रालय पर प्रिगोजिन को दक्षिणी रूस के मोलिकनो में जमीन देने तक के आरोप लगे, जहां प्रिगोजिन से जुड़ी कंपनियों ने बच्चों के शिविर की आड़ में मिलिशिया की एक बेस कैंप स्थापित कर दी। यानी पुतिन ने इन भाड़े के कातिलों को खड़ा करने के लिए सारी सुविधाएं दी। येवगेनी ने कई मौकों पर रूसी सेना के साथ अपनी प्राइवेट आर्मी की अगुवाई की। पुतिन ने इसका पर्दे के पीछे से इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो अमेरिकी चुनाव में अविश्वास पैदा करने वाली छवि के माध्यम से हो या फिर अफ्रीका और मध्य पूर्व में युद्ध लड़ रहे भाड़े के सैनिकों के क्रूर गिरोह के रूप में हो। प्रिगोजिन पहली बार पिछले साल सार्वजनिक तौर पर वैगनर के चीफ के तौर पर सबके सामने आया था। ये भाड़े के समूह के लड़ाके वो लड़ाके हैं जिन्हें अक्सर पुतिन की शैडो आर्मी कहा जाने लगा। इसने अफ्रीका में रूस के प्रभाव को बढ़ाने में काफी मदद की। 2017 के बाद से येवगेनी के वैगनर समूह ने माली, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, लीबिया और मोजाम्बिक में सैन्य दखल तक के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया। इस बीच येवगेनी के वैगनर समूह ने पूरे महाद्वीप में वाणिज्यिक और राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाया, संसाधन संपन्न देशों में खदानें ली, भूपट्टे खरीदे। पिछले साल रिलीज हुई ग्लोबल इनिशिएटिव अगेंस्ट ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर अब अफ्रीका में सबसे प्रभावशाली रूसी समूह। पुतिन के खिलाफ कैसे हो गया येवगेनी प्रिगोजिन? आमतौर पर माना जाता है कि रूस में पुतिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं। ऐसे में येवगेनी प्रिगोजिन की धमकी को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। येवगेनी ने बाखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी माना है
उसने इस हमले के लिए रूस को सजा देने की कसम खाई है। बताया जा रहा है कि इस हमले में वैगनर ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचा है। प्रिगोजिन ने ऐलान किया है कि हम मॉस्को कूच कर रहे हैं, जो रास्ते में आएगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसने एक बाकायदा वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें कहा कि जिन्होंने आज हमारे लोगों को नष्ट कर दिया है, उन्होंने दसियों हजारों रूसी सैनिकों की जान खत्म की है, उन्हें हम दंडित करेंगे। जो कोई भी विरोध करेगा हम उसे खतरा मानेंगे और रास्ते में आने वाली सारी चौकियों को नष्ट कर देंगे। बूचा और सीरिया में भी वैगनर ग्रुप ने मचाई बड़ी तबाही। प्रिगोजिन के तेजी से बढ़ने से रूसी रक्षा मंत्रालय के कुछ अधिकारी परेशान होने लगे। जैसे जैसे उसका अभियान आगे बढ़ता गया तनाव बढ़ता गया। येवगेनी के लिए 2015 के अंत में महत्वपूर्ण लम्हा तब आया जब पुतिन ने बशर अल असद के शासन को बढ़ावा देने के लिए सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप करने का फैसला लिया। येवगेनी ने भोजन और आपूर्ति के लिए यहां से कॉन्ट्रैक्ट जीते और अपने वैगनर सैनिकों को वहां पर तैनात कर दिया। सीरिया में वैगनर ने सबसे पहले खुद को एक खूंखार लड़ाकू बल के रूप में स्थापित किया। इस समूह में सीरिया में कई युद्ध अपराधियों को शामिल करने के भी आरोप लगे। इसके अलावा वैगनर समूह सीरिया में युद्ध अपराधों में भी शामिल था। इसके बाद इस वैगनर ग्रुप की गवाही यूक्रेन युद्ध में बूचा शहर में भी दी जाती है। यहाँ पर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने ऐसी तबाही मचाई कि किसी की भी रूह कांप जाए। उन्होंने यहाँ बच्चों और महिलाओं तक को नहीं बख्शा, जिसके बाद पूरे विश्व में रूस की निंदा हुई और यूक्रेन को कई देशों का साथ भी मिला।